नमस्कार दोस्तों, आज हम लॉजिक गेट के स्टडी करेंगे। वो डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट्स हैं और आपके पास एक कंप्लीट अपैरेटस दिखाया गया है। इसमें एक टॉगल स्विच ऑन ऑफ के लिए दिया गया है और ये मेन एलईडी यूज़ की गई है। यहाँ पे आपको तीन टाइप के डिफरेंट डिफरेंट गेट दिखाए गए हैं। ये हमारे आपके फंडामेंटल गेट्स हैं, एंड गेट और नॉट गेट। ये तीन नॉट गेट जो गेट यूज़ किए हैं हमने, एंड गेट और गेट और नॉट गेट, ये फंडामेंटल गेट्स होते हैं और इनकी का यूज़ करके आप दूसरे गेट बना सकते हो। लेकिन नैंड गेट और नॉर गेट आपके यूनिवर्सल गेट हैं, इनकी सहायता से आप डिफरेंट टाइप के गेट बना सकते हो और इसमें एक एक्सोर गेट भी दिया गया है। आज हम इन सब गेटों की स्टडी करेंगे। फिलहाल आप एंड गेट और नॉर गेट की स्टडी करेंगे। पहले सबसे स्टार्टिंग में हम और गेट के बारे में स्टडी करेंगे। और गेट का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आप बुक का यूज़ करके देख सकते हो। हमें और गेट दिखाया गया है। अगर हम ए इनपुट 0 देते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है ए आर इजिकल्स टू ए प्लस बी होता है, आर इजिकल्स टू ए प्लस बी होता है, आर इजिकल्स टू ए प्लस बी होता है। जैसे आप ए इनपुट 0 दोगे और बी इनपुट भी 0 दोगे तो आपका स्विच ऑन जी ऑफ ही रहेगा जब दोनों दोनों कंडीशन आपकी ऑफ है। जब आप ए को ऑन करोगे और बी को ऑफ़ करोगे तो तब भी आपका ऑन ही रहेगा। जब आप ए को ऑफ़ करोगे और बी को ऑन करोगे, 0 और 1 केस में ऑन रहेगा, और जो दोनों ही स्विचेस को आप ऑन करोगे तो तब कंडीशन में भी आपका ऑन ही रहेगा। इस कंडीशन को आप लॉजिक गेट अपैरेटस की हेल्प से वेरीफाई करेंगे। आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, यानी कि अपैरेटस दिया गया है। आपके जो इनपुट्स होते हैं 0 और 1 ये हैं, इनकी सहायता से आप इनपुट लोगे। आपने एक इनपुट ये दिया और दूसरा इनपुट ये दिया। यस मैम। और गेट को ए2 इनपुट दिया और बी2 इनपुट दिया। इसका आउटपुट यहाँ से आप आउटपुट इंडिकेटर दिया गया है यहाँ पे प्राप्त करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, स्टार्टिंग में हम दोनों को 0 0 पर रखते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। अब हम 0 0 पे देंगे, हमने दोनों ही सिग्नल 0 0 दिए, हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हमने ए को 1 दिया तब हमें आउटपुट मिल गया, और बी 0 पर था। लेकिन जैसे ही हमने ए को 0 पे किया और बी को 1 पे किया तब भी आपको सिग्नल मिल रहा था, और जब हमने दोनों को ही 1 पे किया तब भी सिग्नल मिल रहा था। इस प्रकार से और गेट हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं एंड गेट। एंड गेट बूलियन एलजेब्रा के डॉट प्रोडक्ट को फ्लो करता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आपको एंड गेट में दिखाया गया है, ठीक है। यदि हम ए इनपुट 0 देते हैं और बी इनपुट भी 0 देते हैं।